एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है. जैसे हम, तो क्या करेंगे हम इन क्वेश्चन में, इन नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. करते हैं, क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 140 का. ठीक है, तो 140 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, पहले ये 2 से जाएगा. जिस भी नंबर की लास्ट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. तो ये 2 से 7 बार में जाएगा और ये 14, 2 7 14. फिर इस लास्ट नंबर के लास्ट में 0 है, फिर ये 2 से जाएगा, 2 3 6 एंड 1 कैरी आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 10 बन जाएगा. तो 2 5 10. और जिस भी नंबर के लास्ट में 5 होता है वो नंबर 5 से जाता है, तो ये जाएगा 5 से 5 7 35 और ये हो जाएगा 7 7 1 7. ठीक है, तो इस नंबर का क्या हो जाएगा, 140 equals 2 into 2 into 5 into 7. ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया. इसको इसी के मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने लिख दिया. सेकंड नंबर क्वेश्चन 156. अब हम 156 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे. 156, अब इस नंबर के भी लास्ट में 6 है तो ये नंबर भी 2 से चला जाएगा. ठीक है, 2 7 14, 1 कैरी आएगा, 2 8 16. अगेन इस नंबर के लास्ट में 8 है, ये नंबर भी 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 1 कैरी आएगा, 2 9 18. अब देखो जो भी नंबर होता है, अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, अब हम 3 से चेक करेंगे. तो 3 से चेक करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि जो नंबर का डिजिट्स होता है ना, उनका जो सम होना चाहिए वो 3 के टेबल में आना चाहिए. तो अब 3 + 9 कितना होता है, 3 + 9 क्या होता है, 12, और 12 3 के टेबल में आता है या नहीं, आता है, इसलिए ये 3 से चला जाएगा. तो 3 से 3 1 3 3 3 9. ठीक है, अब 13 है, 13 जो है खुद ही एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर खुद से ही जाएगा, 13 1 13. ठीक, तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 into 13. ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 8 2 5. ठीक है, इसको भी हम साइड में कर लेते हैं, 3 8 2 5. अब देखो मैंने अभी बताया था जिस भी नंबर के लास्ट में 5 होता है वो 5 से जाता है. उसके पहले पहले आप एक बार ये 2 से तो जाएगा नहीं, पहले पूरे नंबर से चेक करो, 2 से तो ये जाएगा नहीं. ठीक है, 3 से चेक करो. 3 का रूल क्या था, सारे डिजिट्स का सम जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए. तो चेक करो, 8 + 3 11, 11 + 2 13 एंड 13 + 5 18. 18 आ रहा है, तो 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से चला जाएगा. सो 3 1 3, ये 8 है, 2 बार में जाएगा, 3 2 6, 2 कैरी आया, 3 7 21, 1 यहाँ कैरी आएगा, 3 5 15. अगेन इन डिजिट्स का सम कीजिए कि ये 3 से जाता है या नहीं. 2 + 1 3, 7 + 3 10 एंड 10 + 5 15. अगेन जो 15 है वो 3 के टेबल में आता है. सो इसको हम फिर 3 से करेंगे, 3 4 12, 3 2 7 है तो 3 2 6, 1 कैरी, 3 5 15. अगेन हम 3 से चेक करते हैं, 5 + 2 7 एंड 7 + 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है. ठीक है, तो ये 3 से नहीं जाएगा, डिविजिबल नहीं है ये नंबर. अब हम 4 से तो डिविजिबल नहीं होगा, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आता है 5 से जाएगा, तो 5 से हम ले जाएंगे, 5 8 40, 2 कैरी, 5 5 25. अगेन लास्ट में 5 है, 5 से चला जाएगा, 5 1 5, 3 कैरी, 5 7 35. ओके, नाउ फ्रॉम 17 इट विल बी गो 17 1 1 टाइम 17. ठीक, ये इसका जो है क्या आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया. सो 3 2 5 equals to 3 into 3 into 5 into 5 into 17. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन दिस टू. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो इसमें हमें क्या करना है कि जो गिवन इंटीजर्स हैं
उनका क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे। इन दोनों को फाइंड करने के बाद से हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सो कर देंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, नंबर्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों नंबर्स जो हैं 26 और 19 वन, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 एंड 91। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे अलग अलग। ठीक है, जब हमें एलसीएम और एचसीएफ मिल जाएगा तो हमें यही तो करना है इस क्वेश्चन में, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दिखाना, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो भी वही आएगा। अब हम देखते हैं कैसे हमें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, पहले हम 26 का देखते हैं, लास्ट में 6 है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 2 2 3 6। नाउ 13 प्राइम नंबर है, सो 13 1 13। ठीक, अब हम 91 का निकालेंगे। ठीक है, 91 ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से जाने के लिए इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। हम चेक करते हैं 3 से जाएगा, 9 + 1 10 होता है, 3 से नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए। और 6 से वही जाएगा जो नंबर 2 और 3 से चले जाते हैं, वही नंबर 6 से जाते हैं इसलिए नहीं जाएगा। 7 के टेबल में भी 91 नहीं आता है, ये जो नंबर है अब 7 से चेक करो, 7 से चला जाएगा, नहीं 7 से चला जाएगा, 7 से कैसे जाएगा, 7 1 7 और ये जो 2 कैरी आएगा वो 7 3 21 चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 13 से जाएगा, 13 1 13। ठीक, अब हमें क्या प्राइम फैक्टर्स मिला 26 का, हमें 26 का जो प्राइम फैक्टर मिला 2 × 13 एंड हमें 91 का जो प्राइम फैक्टर मिला वो क्या मिला, 7 × 13। तो आपको पता है जब भी हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है तो दोनों नंबर्स में जो कॉमन नंबर्स होते हैं उन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है ना, तो आपका यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं एलसीएम बता रही हूँ क्या करेंगे हम, इसमें जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनके, ठीक है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जहां भी होंगे वहां से हम ले लेंगे। जैसे कि देखो एलसीएम हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों नंबर्स में हम देखेंगे 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किस में आया है, 2 एक ही बार आया है तो इसलिए इस एक 2 को हम ले लेंगे। उसके बाद 7 है, 7 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किस में आया है, 7 इस नंबर में आया है और कहीं तो आया नहीं है और एक ही बार आया है तो इस हम 7 को ले लेंगे। इनटू 13 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पे आया, 13 दोनों में आया है और दोनों में एक ही बार आया है तो हम एक 13 को ले लेंगे। अगर सपोज 13 यहाँ 2 टाइम्स आया होता तो हम इसमें से दोनों 13 को लेते, तो मैक्सिमम पावर जो 13 का है वो एक ही है दोनों में, तो हम एक ही को लेते हैं, ये ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 एंड 14 × 13 आप कर दो, 3 4 12 1 3 1 3 1 4 1 4 4 1 1 1 2 8 1। क्या आ गया आपका एलसीएम, 182। ठीक है, अब आपको ये दिखाना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, यही तो एचसीएफ है और ये एलसीएम है, तो हम एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लेते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या है, 13 × 182। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, 182 × 13 हमें करना है, 3 2 6 3 8 24 कैरी 2, 3 1 3 2 5 1 2 2 1 8 8 1 1 1 6 4 2 6 8 5 13 1 1 1 2। तो हमारा क्या प्रोडक्ट आया, 2 3 6 6। ये तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लिए, अब इन दो नंबर्स का भी प्रोडक्ट करना है हमें, 26 × 91। तो प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, 26 × 91। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, 26 × 91, 1 6 6 1 2 2 9 6 54, 4 carry 5, 9 2 18 एंड 18 और 5 क्या हो जाएगा आपका, 23, 6 4 2 6 3 2 क्या रिजल्ट आया,
टू थ्री सिक्स सिक्स, ये तो आपको शो करना था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट 2336 है वही प्रोडक्ट आना चाहिए आपका 26 इंटू 91 का, तो क्या आपका आ गया 2366, इसलिए आप मिल गया हेंस यू कैन से एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है गिवन नंबर, यही तो है 26 इंटू 91 510 एंड 92, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे 510 का, ठीक है। जीरो है, टू से चला जाएगा, टू टू जा फोर, वन कैरी, टू फाइव जा टेन, वन कैरी, टू फाइव जा टेन। आप जो है ना, जो भी ये प्राइम फैक्टर्स है आप खुद से कीजिएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें तो मैं अलग से प्राइम फैक्टर्स के लिए वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट कर देना। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस में जो जरूरी है बस उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। लास्ट चेक कीजिए, 5 5 10 10 प्लस 2 12, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 8 जा 24, 1 कैरी, 3 5 जा 15। 8 5 कितना होता है, 13 होता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, सो ये 5 से ही आप करोगे, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 13, 5 17 1 जा 17, ठीक है। तो आपका 510 का जो प्राइम फैक्टर्स आया, क्या क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब 92 का हमें निकालना है, वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92। लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसके बाद आपका 23 आ गया, तो ये 23 1 जा 23, तो 92 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 23, ठीक। तो एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है, ये 2 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन है जो दोनों में कॉमन हो, नहीं है, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया, 2। एलसीएम यहां से आपका अच्छे से क्लियर होगा, देखिए एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, 2 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, आप यहां पे कहां पे आया है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देखिए इस नंबर में और इस नंबर में, यहाँ पे सिंगल टाइम आया, यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है उसी को हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आया तो यहाँ से हम इन दोनों 2 को ले लेंगे, 2 इंटू 2। 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो जो नंबर आया उन सबको चेक करेंगे हम, 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सिर्फ इसी में 3 आया है, एक बार आया है, हम 3 ले लेंगे। उसके बाद 5 आया है, वो भी सिंगल टाइम आया है, 5 ले लेंगे। 17 भी सिंगल ही आया है, 17 एंड 23। इसके अलावा कोई नंबर्स हैं इसमें जो आए हैं और हमने नहीं लिया है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 एंड 23 है, सबको हमने चेक कर लिया। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 आप कर लो, 17 6 जा क्या होता है, 102 होता है, और 0 लगा दो, ठीक है, 1020 आ जाएगा इंटू 23, 3 0 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 1 3, 2 0 0, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 0 6 4 3 2, क्या रिजल्ट आया, 23460, ठीक है। तो आप लिख दोगे इसका रिजल्ट आया 23460 टू। एलसीएम हम फाइंड करेंगे, क्या है हमारा एचसीएफ 2 है एंड एलसीएम 23460 है, 2 इंटू 23460 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, आप करके चेक कर लेना, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा आपका 46920, ठीक है। अब हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या थे, 510 एंड 92, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 510 एंड 92, तो चेक कर लो कितना आता है, 510 एंड 92, 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 0 0, 9 1 9 एंड 9 5 45, 0 2 9, 5 1 6 एंड ये 4, 4 6 9 2 0 आया, 4 6 9 2 0, आप देख रहे हो ये भी 4 6 9 2 0 है, ये भी 4 6 9 2 0, हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट से मैं छोटा कर देती हूँ,
469 आया था ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इन गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। लेकिन कौन सा मेथड यूज करेंगे हम दोनों को फाइंड करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, फिर हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो हमें इसमें भी क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। अभी हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन में फाइंड किया है, वैसे ही फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 12 का, 15 का एंड 21 का। तो 12 का सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 15 का 15 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। नाउ 21 थ्री से चला जाएगा, 37 जा 21 एंड 71 जा 7। ठीक है, तो 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या आया, 2 into 2 into 3। 15 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 3 into 5। और 21 का क्या आया, 3 into 7। आप एक काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या करो ना, इसको 2 का डबल पावर में है ना, तो इसके ऊपर 2 लिख दो, 2 into 3। बाकी किसी में नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, तीनों में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे तीन नंबर्स हैं तो तीनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। अब देखो इसमें 2 सिर्फ इसमें आया है, 3 तीनों में आया है, 3 3 एंड 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 5 सिर्फ एक में आया और 7 भी एक में आया, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। नाउ एलसीएम, एलसीएम के लिए हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आया होता है नंबर, उसी को ले लेते हैं, उन नंबर्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर क्या है, 2 है, बाकी किसी में 2 है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 दो बार आया है, 2 का पावर 2 ले लेंगे, इंटू 3 आया है, 3 तीनों में कितनी बार आया है, इसमें भी 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम, तो सब में 1 टाइम आया, तो एक 3 को हम ले लेंगे, 3 into 5, एक ही बार आया है तो 5 into 7, भी एक बार आया है तो 7। ठीक, अब यहां से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 5 60 एंड 60 into 7, 60 into 7, 6 7 का क्या होता है, 42, और एक जीरो लिख देंगे तो 420 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, 17 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 23 का एंड 29 का। ठीक है, तो ये तीनों जो नंबर्स है ना, 17, 23 एंड 29, तीनों आपको पता है क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर जो भी होते हैं उनका दो ही फैक्टर होता है, एक तो जैसे 17 है तो ये 17 खुद, और एक 1, इसके का क्या हो जाएगा आपका फैक्टर्स, एक तो 1 हो जाएगा इंटू 17। ठीक है, अब जो 23 है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का क्या होता है फैक्टर, एक 1 होता है, एक वो नंबर इट सेल्फ, मतलब 23 खुद ही हो जाए। 29, तो 29 का भी क्या हो जाएगा, 1 एंड 29। अब हम ऐसे फाइंड करेंगे, अब ये आप बताइए तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 1 के अलावा कोई नंबर दिख रहा है, नहीं ना, तो ऐसे 1 हो जाएगा। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो नंबर आते हैं उनको ले लेते हैं, 17 एक ही बार आया तो 17 into 23 एक बार है, 23 into 29 भी एक बार है, 29। 1 आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, 1 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, 1 का मतलब मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर ही आएगा। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, 17 into 23, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 3, 1 5 4 9, 3 91, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 कैरी क्या आ गया, 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 क्या हो जाएगा, 27 और 8 हो जाएगा आपका 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। ठीक है, 9 3 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 2 10 3 13, 3 कैरी 1, 7 3 10 1 11, तो क्या आपका रिजल्ट आया, 1 1 3 3 9, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 1 3 3 9।
9, यही आपको फाइंड करना था। एलसीएम 1 आ गया, एलसीएम 8। अब नाउ क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।